दोस्तों, आप सभी ने ग्रज नामक अमेरिकन फिल्म सीरीज के बारे में सुना होगा, जो कि जापानीज फिल्म सीरीज जो ऑन द ग्रज से इंस्पायर्ड है। अमेरिकन ग्रज सीरीज में बेसिकली तीन फिल्म अभी तक थी, जैसे कि ग्रज 1, 2 और 3, जो कि 2004, 2006 और 2009 में रिलीज की गई थी। और अब ठीक 11 सालों के बाद में 2020 में द ग्रज फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है, और उसी के ट्रेलर एनालिसिस और स्टोरी लाइन के बारे में आज बात होने वाली है। ग्रज 2020 को डायरेक्ट किया है निकोलस पेस्चे ने और प्रोड्यूस किया है सैम रेमी ने। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह फिल्म सेपरेट जरूरी है, लेकिन इस फिल्म के इवेंट्स और 2004 में आई ग्रज के इवेंट्स एक साथ घटित हो रहे हैं। लाइक टू सेपरेट टाइमलाइंस हैं, लेकिन घटित एक साथ हो रही हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में हम पीटर स्पेंसर नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट को देख पाते हैं, जो की एक घर को सेल करने के सिलसिले में उस घर को देखने आया हुआ है। यह घर रेवन ड्राइव पर था, जिसका नंबर 44 था। तो यहाँ पर 44 से ये पता लगा सकते हैं 2004 की दो टाइमलाइंस को दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये बस मेरा अजम्पशन भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस नंबर पर फोकस करना कुछ ना कुछ तो दर्शाता है। पीटर गेट काफी बार नॉक करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। और गेट खोलकर अंदर जाने पर वहाँ हम बैकग्राउंड में किसी लेडी की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। अब पीटर इस आवाज को फॉलो करते हुए सीधा बाथरूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो डर जाता है, जो कि सीधा रेफरेंस है 2004 में आई ग्रज मूवी के एक सीन का। अब हम डिटेक्टिव मल्डून नाम की सिंगल मदर को यहाँ पर अपने सीनियर या फिर पार्टनर के साथ में इस घर को तलाश करते हुए देख पाते हैं, मे बी किसी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन को लेकर। मल्डून और उसके पार्टनर को एक बॉडी भी बरामद होती है, जिसको देखकर वो ये कहते हैं कि इससे पहले जो मर्डर हुआ वो कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है। और यह मर्डर्ड बॉडी इस औरत की लगती है, जिसके पीछे एक घोस्ट खड़ी हुई है, जिसकी रिजेम्बलेंस कायाको से मिलती है, जिसको हमने ग्रज 2004 और ओरिजिनल जुवान मूवी 2002 में देखा था। इस औरत का घोस्ट मल्डियून के पार्टनर को भी डराता है, जब वो कार में होता है। अब यहाँ पर इस बॉडी के साथ में किसी और की डेड बॉडी की भी बात की जा रही थी, तो मुझे लगता है कि जो ग्रज 2004 में आई थी, यहाँ पर उसी टाइमलाइन की बात हो रही थी। हालांकि ये फिल्म भी 2004 के इवेंट्स को ही दर्शाती है, लेकिन ऑन अ बिगर स्केल, कि वो जो कर्ज था वो बस एक जगह तक सीमित नहीं है। और यह पर्सपेक्टिव मुझे काफी पसंद आया। खैर, यहाँ पर पीटर स्पेंसर उस घर में जाने के बाद में अब डिटेक्टिव मल्डून को फोन लगाता है, और स्पेंसर उसको इस घर के बारे में बताता है कि उसके साथ इस घर में कुछ हुआ, यानी कि वो बाथरूम वाला सिनेरियो, और उसके बाद से ही उसको कोई हॉन्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर ट्रेलर में स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट को देख पाते हैं कि जब कोई गुस्से में मरता है या फिर मार दिया जाता है, तो वो रिवेंजफुल स्पिरिट के रूप में उभर कर आता है, जो सबको कंज्यूम कर लेता है, यानी कि बेसिकली एक कर्ज ओरिजिनेट होता है, और उसके लपेट में जो कोई आता है उसकी मृत्यु होती है। यह टैग लाइन ग्रज मूवी से ही चली आ रही है, इनफैक्ट ओरिजिनल जापानीज जुवान मूवी से। इवेंचुअली मल्डियून उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है, और उसके बाद से समथिंग फॉलोड हर बैक, यानी कि इट फॉलोज। अब हम यहाँ पर मल्डियून और स्पेंसर को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं, जो कि इस घर के बारे में ही बात करते हैं कि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। मल्डियून का सीनियर अंदाजे से ये बोलता है कि इस घर में किसी का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया गया था। तो यहाँ से एक और मेमोरी रिकॉलेक्ट होती है कि उस घर में जहाँ पर कुछ गलत घटित हुआ, वहाँ पर एक कर्ज ओरिजिनेट हुआ, और जो कोई उस घर के अंदर जाएगा वो उस कर्ज का शिकार बनेगा। अब आगे चलते हुए ट्रेलर के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिनको यह स्पिरिट हॉन्ट कर रही है और मारने की कोशिश भी कर रही है। अब या तो ये सब इस घर में गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस घर के अंदर जिसको मारा गया होगा वो स्पिरिट के रूप में परिवर्तित हो गई, और उसके बाद उस घर में जो कोई भी रहने आया ये सब उनकी ग्लिम्सेस थी। अब यहाँ पर हो कुछ भी पर इस ट्रेलर से 2004 में आई ग्रज के काफी सारे सीन्स याद आ जाते हैं, जैसे कि ये स्टेयर से नीचे गिरने वाला सीन, और इसी तरह से 2004 में कायाको अपने एक कर्ज्ड विक्टिम का पीछा करते हुए बिल्कुल सेम लोकेशन पर दिखाई देती है। लिन शे, जो कि फेथ का किरदार निभाएंगी, जिनका पानी में डूबने वाला सीन 2004 की ग्रज की सीन की याद दिलाता है। बेड के नीचे इस तरह से इविल स्पिरिट का दिखना और फिर वापस अंदर छुप जाना,
अंधेरे में लोगों को खींच कर ले जाना और एंड में ये शार वाला सीन जहां पर सर के अंदर से उंगलियां उग रही हैं। भाई साहब यहां पर बाल उगाने मुश्किल हो जाते हैं कुछ लोगों को और यहां पर उंगलियां उग रही हैं। खैर आप चिंता मत करना, ये सोचते हुए कि ओरिजिनल टाइमलाइन को रिप ऑफ किया गया है एंड ऑल, डायरेक्टर ने ये कन्फर्म किया है कि भैया ये सिमिलर इवेंट्स का असर कैसे और जगहों पर आया है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है और इसको बस थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में लिन शे भी है जो कि सारी हॉरर मूवीज की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके बिना मूवी पूरी नहीं होती और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन रहती है। जब ये फिल्म के अंदर हो तो मेरी टिकट्स की बुकिंग तो कंफर्म्ड है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हिट द लाइक बटन। तो ओवरऑल मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, मजा आएगा और देखने वाली बात होगी कि क्या कैसे सीन्स को कनेक्ट किया जाएगा 2004 वाली ग्रज से। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रज सीरीज और जुआन सीरीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इस फिल्म के आने से पहले मैं सारी की सारी ग्रज फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो अगर आपको ग्रज सीरीज की सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचा दो ताकि मैं उन फिल्म्स पर जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दूंगा। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक हैं। एक लाल रंग का बटन है उसको ग्रे कर दो और बेल आइकॉन को दबा कर रखो, क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट पर माता बाटिन 2 यानी कि द थर्ड आई 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी आने वाला है। मैंने उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि आपने उस वीडियो पर 12000 लाइक्स दिए हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप उस मूवी को मिस नहीं करेंगे। और ट्रस्ट मी, माता बाटिन पार्ट 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पार्ट 1 से, विद लॉट ऑफ स्केरी सीन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्ट